कैसे से किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है? ये आज महात्मा गांधी जी और हमारे प्रिय प्रधानमंत्री रहे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती को सारे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी किसान मजदूर पुलिस के रूप में मना रही है। और आप सब जानते हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिंदुस्तान के अंदर जो 3 अध्यादेश कृषि के लिए लेके आई, उन 3 अध्यादेशों की बगावत विरोध आज सारा किसान गरीब मजदूर और आड़ती भूमि पर कर रहा है। तो ये हमारा जो रोष प्रदर्शन है, ये इसकी एवज में है कि इस दिन को किसान मजदूर रूप में मना के हम इन 3 अध्यादेशों का विरोध कर रहे हैं। और इस विरोध के साथ साथ अभी रिसेंटली हाथरस के अंदर जो वाकया हुआ, एक दलित बेटी की किस दरिंदगी के साथ हत्या कर दी गई, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और सबसे ज़्यादा घिनौना काम योगी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने यूपी में ये किया कि हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी सिर्फ उस परिवार के साथ संवेदना प्रकट करने के लिए उनको ढांढस बनाने के लिए जा रहे थे, उनको वहाँ पर नहीं जाने दिया, लाठीचार्ज किया, राहुल जी घायल हुए और सभी कांग्रेसजनों के ऊपर उन्होंने मुकदमा दायर किया। ये प्रजातंत्र की सरासर हत्या है और प्रजातंत्र की हत्या तो इन्होंने पहले ही कर दी थी जब 3 अध्यादेश इस राज्यसभा के अंदर बिना वोटिंग के राष्ट्रपति के पास भेज दिए और राष्ट्रपति जी ने उनके ऊपर दस्तखत कर दिए। तो आज हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी ये संकल्प ले रही है कि ये 3 अध्यादेश जब तक वापस नहीं होंगे तब तक संघर्ष करते रहेंगे। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया कि हरियाणा प्रदेश के अंदर इन 3 अध्यादेशों को कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत में लागू नहीं होने देगी। इसलिए आज का हमारा ये रोष प्रदर्शन है और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के गरीब मजदूर व्यापारी कर्मचारी और हमारे जो मुनीम भाई है, हमारे आड़ती भाई है, इनके साथ हर बोर्ड पे कंधे से कंधा मिला के खड़ी है और इनके संघर्ष के अंदर कांग्रेस पार्टी हमेशा तत्पर रहेगी। हमारी नेता सोनिया गांधी जी के आह्वान पे, राहुल जी के आह्वान पे और हमारे प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा और हमारी प्रदेश अध्यक्ष हमारी बहन कुमारी शैलजा जी के आदेशानुसार आज हर विधानसभा के अंदर इस दिन को एक किसान मजदूर दिवस के रूप में हम मना रहे हैं और इन 3 अध्यादेशों का विरोध करते हैं। और साथ में हाथरस के अंदर जो ये दरिंदगी हुई है, दलित बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है, इसकी घोर निंदा करते हुए आज राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि योगी सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए, क्योंकि इससे घिनौना काम नहीं हो सकता। और राहुल जी के और प्रियंका जी और दीपेंद्र जी के साथ जो इन्होंने जाति की है, इस एक एक चीज का जब वक्त बदलेगा, एक एक लाठी का हिसाब लिया जाएगा, एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। और हरियाणा प्रदेश के अंदर ये 3 अध्यादेश कांग्रेस पार्टी किसी कीमत में लागू नहीं होने देगी। ये आज का हमारा संकल्प जो हरसिमरत कौर और बादल पंजाब सरकार ने किया, क्या आप मानते हैं दुरुपयोग है का पंजाब में जो कल में देखो ये सारी जगह इसी तरीके से करेंगे। उन्होंने इस्तीफा दिया, आज हम हरियाणा प्रदेश के अंदर भी ये जो जजपा पार्टी है इसके विधायकों से और जो इंडिपेंडेंट विधायक है उनसे हम मांग करते हैं कि अगर वो किसान के हक में है, अगर वो दलित के हक में है, अगर वो हरियाणा की जनता के हक में है, तो या तो वो ये अध्यादेश वापस करवाए या इस सरकार से वापस आए। दुष्यंत चौटाला जी हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, बार बार कहते हैं कि मैं सरकार में उस दिन छोड़ दूंगा सरकार जिस दिन MSP पर किसान की फसल ना बचेगी। आज आपके माध्यम से चैलेंज करता हूं दुष्यंत चौटाला जी को कि फतेहाबाद की मंडी के अंदर आए। आज फतेहाबाद के अंदर मंडी के अंदर नरमा मूंगफली, मूंग हमारा बाजरा मक्का ये आ गए। अगर एक कुंटल कहीं भी MSP पर बिके, धान 1509 आया हुआ है जो कि 2503,000 बिकता था, आज 1600 रुपये में कोई खरीदने वाला नहीं है। इन्होंने ऐलान कर दिया कि धान की खरीद शुरू होगी, लेकिन 4 दिन हो गए कहीं धान की खरीद नहीं, धान लिए जो किसान है मंडियों के अंदर बैठा है, सड़कों के अंदर बैठा है। तो इस तरीके से आज ये जो माहौल है, आज दुष्यंत चौटाला अगर किसान का हमदर्द है तो उसको रिजाइन करना चाहिए, उसको बाहर निकलना चाहिए और इसी तरीके से मजबूर कर देगी हरियाणा की जनता जजपा और इंडिपेंडेंट इनके विधायकों को कि ये जो लोग हैं या तो सरकार छोड़े या फिर ये जो है सरकार से इन अध्यादेशों को वापस करवाने का काम करें, जैसे पंजाब के अंदर कैप्टन अमरिंदर ने कर दिया कि ये अध्यादेश लागू नहीं करेंगे। इसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने ये कहा है, भूपेंद्र हुड्डा ने ये कहा है कि हम प्राइवेट बिल लेके आते हैं, उस बिल के जरिए अगर
ये सरकार चाहे तो इन अध्यादेशों को खत्म कर सकती है, और ये ना करेंगे तो जिस दिन कांग्रेस आएगी उस दिन कांग्रेस करेगी। विपक्ष सरकार के जो लोग हैं वो जुड़े लगातार ही कह रहे हैं कि विपक्ष जो है इस अध्यादेशों के नाम पर राजनीति कर रहा है, किसानों के को लाभ भड़का रहा है। अगर किसानों को भड़का रहा है विपक्ष, तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि कौन से किसान संगठन ने ये मांग की थी? हिंदुस्तान के किसान की तो एक ही मांग थी, और नरेंद्र मोदी जी का खुद का ये वायदा था कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे और इसके साथ साथ किसान का कर्जा माफ करेंगे। ये जो 3 बिल ये लेके आए हैं, इसकी मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रेस के माध्यम से कि किसने मांग की थी? आज किसान ये कहता है कि हमें ये बिल पसंद है ही नहीं, फिर ये लेके किसके लिए आए? फिर ये किसान का विरोध कांग्रेस कैसे कह रही है? और अगर कांग्रेस किसान को कह रही है तो इनकी जो सहयोगी पार्टी ये अकाली दल सबसे पुरानी पार्टी है, ये इससे बाहर आ गई, एनडीए से बाहर आ गई, क्या ये कांग्रेस के कहने से आई है? जो आज किसान का हमदर्द है वो किसान के साथ है, और ये जितने भी नेता है किसान हमदर्द, वो सारे के सारे नेता जो है वो इनको छोड़ेंगे और आने वाले वक्त में इस सरकार को घुटनों पे चलने के लिए मजबूर कर देंगे। ये बड़ौदा का बाई इलेक्शन है 3 तारीख का, इसमें साबित कर दे रही हरियाणा की जनता कि कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा कि अगर खत्री ये कहता है कि मैं इतना पॉपुलर हूँ, मैंने किसान के लिए काम किया है और हम तो किसान के फायदे के लिए कर रहे हैं, उन्होंने चैलेंज किया है और आज हम फिर उस चैलेंज को दोहराते हैं कि अगर खट्टर साहब को अपनी पॉपुलरिटी पर इतना विश्वास है तो इस बाई इलेक्शन को रेफरेंडम ले। एक तरफ तो अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ते हैं कांग्रेस टिकट पर, दूसरी तरफ खट्टर है बीजेपी के टिकट पर, इस्तीफा दे करनाल से, हुड्डा साहब ने कह दिया मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। 3 तारीख को फैसला हो जाएगा कि किसान किसके हक में है या किसान इसको चाहते हैं नहीं चाहते हैं। आए खट्टर मैदान में, हम तैयार हैं।